हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के बेसिक्स जो भौतिकी है, विद्युत धारा अध्याय 4 है, उसका नोट्स आपको दे रहे हैं। इस वीडियो के 3 उद्देश्य हैं। पहला कि आपके एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन वो बताऊँगा, उसका उत्तर भी साफ आपको दिखाई दे रहा है, उसका उत्तर भी लिखा गया है। दूसरा कि आपको परीक्षा में कैसे लिखना ताकि पूरे नंबर मिले, कटौती न हो नंबर में और फेल होने का डर खत्म हो जाए। और फिर से तीसरा कि जो एग्जाम नहीं देने वाले हैं, जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको नोट्स बना लें, पूरा इस अध्याय का पूरा नोट्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी, पूरे अध्याय को समझने के लिए, पूरे अध्याय को बढ़िया से जानकारी के लिए, विधिवत जानकारी के लिए पूरा नोट्स है, ताकि वो हर चैप्टर को समझ जाए। परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो बताते चल रहा हूँ, कैसे लिखना वो भी बता दे रहा हूँ। बस आपको जो एग्जाम देने वाले हो इस बात को समझे, जिनको पूरी तैयारी करना अगले साल के लिए, वो इसको पूरा उतार लें। वीडियो को रोक रोक के तो शेयर कर दीजिए आपके जितने भी छोटे भाई हैं या जो भी दोस्त हैं उनको जो तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आएगा तो। देखिए पहला विद्युत धारा है, पहले ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत परमाणु विद्युत दर्शन क्यों होता है, बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यों होता है ऐसा। तो देखिए कैसे लिखना है उत्तर मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आप पेपर है, आप पेपर में आपको बीच में प्रश्न डालना है, प्रश्न संख्या मान लीजिए पहला है तो पहला डाल दीजिए, फिर अथवा है तो आप अथवा भी डाल सकते हैं, नहीं है तो रहने दीजिए। कहाँ से है भौतिकी से अगर क्वेश्चन है तो भौतिकी लिख दीजिए, कितने मार्क का उसको भी कॉमा करके लिख दीजिए, 2 मार्क का है, 2 अंक का है, कितने अंक का है, ठीक है। फिर उसको अंडरलाइन कीजिए, सजा के लिखिएगा आप, इसी तरह मत लिख दीजिएगा, मैं केवल आपको नमूना समझा रहा हूँ कैसे करना परीक्षा में। फिर अंडरलाइन कर दीजिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है कि नहीं हाँ भाई कुछ लिखा गया है। सजावट जितना अच्छा सजाएंगे उतना अच्छा वो चेक करने वाला आपको टैलेंट समझेगा, और नंबर पॉजिटिव उसके मन में सकारात्मक विचार आ जाएंगे आपके प्रति, वो आपको नंबर देने से हिचकेगा नहीं। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर अगर अथवा है तो आप यहाँ पे अथवा डाल सकते हैं, या यहाँ पे भी कॉमा करके अथवा डाल सकते हैं। और फिर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में ABC कर देता है तो या आप यहाँ पे भी ABC कर सकते हैं, A B लिखना हो तो जहाँ तक लिख गया उसकी एक लाइन छोड़कर फिर B हेडिंग डालिए। इसमें मान लीजिए हेडिंग है परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्यों, यहाँ पे हेडिंग क्या बन सकता है इसका, तो ये लिख सकते हैं परमाणु की वैद्युत उदासीनता, हेडिंग क्या बन सकता है यहाँ पे, परमाणु की वैद्युत उदासीनता। अब हो सकता है आपको नहीं बनाने है हेडिंग, लेकिन जिसको हेडिंग बनाने आता है वो हेडिंग बना के, नहीं बनाने आता छोड़ दीजिए, जिसका हेडिंग बनाने आता है उसी का हेडिंग बनाइए। जैसे यहाँ पर चालक क्या है तो यहाँ पे हेडिंग क्या बन जाएगा, तो क्या है छोड़ दीजिए, जो बचा वही हेडिंग बनेगा, तो ये तो आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको दिक्कत होगा तो मैं बता देता हूँ, आ जाएगा तो आप क्या डाल सकते हैं, परमाणु की वैद्युत उदासीनता हेडिंग बन सकता है यहाँ पे, वैद्युत काला से हेडिंग डालिएगा, ध्यान रहिए रखिए इस बात को, उदासीनता हेडिंग डालिए, डैश मारिए, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए और फिर आगे एक लाइन छोड़ के इस लाइन को यहां से लिखना चालू कीजिए। इस प्रकार क्या होता है बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है चेक करने वाले एग्जामिनर पे, और वो आपको नंबर देता चला जाता है। इस प्रकार आपको 10-20 नंबर अधिक आ सकते हैं इस तरह से। अगर गलत भी लिखते हैं आप तो आप गलत होते हुए भी इसके चलते आपको आधा नंबर देते चला जाता है, चल भाई ठीक है बहुत ही अच्छा लड़का लिखा है। ये सब फंडे हैं नंबर लाने के, इसलिए मैं बता दिया ताकि आपका एग्जाम अच्छा है। तो इसे खूब शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग हैं जो नहीं जानते इस तरीके को जान जाए, ताकि फेल होने या नंबर में भविष्य में नंबर आने वाले जो कम अंक है वो अधिक अंक हो जाए। जरूर से कीजिएगा, उत्तर यहाँ से लिखने से कोई लेना देना नहीं, इधर कुछ नहीं करना है आपको, बीच में ही करना है। ये पाई नहीं दिया रहेगा तो आप इंच लगा कर खींच सकते हैं पाई, एग्जाम में बैठने से पहले पाई ही खींच लीजिएगा, कुल कर, सारा करने के बाद ये पाई ही खींच लीजिएगा, तब लिखना शुरू कीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं तो बोलिए, मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आगे है, आगे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। विद्युत धारा क्या है, ये भी VVI है, विद्युत धारा की परिभाषा, तो जो मैं VVI करूंगा बस उसी को आप याद करके जाइएगा परीक्षा में, और बाकी जो लोग तैयारी अगले साल के लिए कर रहे हैं उनको आराम से उतार सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, पूरा उतार सकते हैं समझने के लिए किताब को। विद्युत विभव क्या है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, दो नंबर में बार बार आता है। इसके विद्युत विभव क्या है, इसके मात्रक क्या है, यहाँ पे सारा लिखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे विभवांतर क्या है, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसके भी मात्रक वोल्ट ही होते हैं, लेकिन विभव विभवांतर में थोड़ा अंतर होता है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो परीक्षा देने वाले हैं वो केवल जो वीवीआई में लगा रहा हूं उसी को याद करके जाएं, जिनको अगले साल जाना हो तो पूरा ही उतार ले। सेल क्या है, ये भी याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल क्या है पूछता है बार बार परीक्षा में, सेल और बैटरी का परिभाषा, बैटरी का परिभाषा अलग होता है, सेल का परिभाषा अलग होता है। सेल को समूह को बैटरी कहते हैं, जबकि सेल का परिभाषा एक अलग रहता है। फिर आगे देखते चलिए, विद्युत परिपथ क्या है, तो ये हो गया विद्युत परिपथ। आ सकता है कि विद्युत परिपथ क्या है, किरण आरेख खींचे, तो परिभाषा देखिए किरण आरेख खींच सकते, बहुत इंपॉर्टेंट। दो नंबर में हेडिंग क्या बनेगा, यहाँ पे विद्युत परिपथ, परिपथ आरेख, यहाँ पे कुछ संकेत है याद रखने योग्य, याद रख लीजिएगा कौन किसका संकेत कैसा होता है। इधर भी है विद्युत धारा की प्रबलता, यानी शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति, बहुत ही बार बार विद्युत धारा की प्रबलता, शक्ति नहीं प्रबलता आई, इसका या तो एक नंबर यहाँ से मात्रक पूछ लेता है या सूत्र या ये पूछ लेता है परिभाषा, तो इसे एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और मस्त है। इसलिए मैं आंसर सही दे रहा हूँ कि आपको याद करने में भी आसानी हो। एमीटर और वोल्ट मीटर, इन दोनों में अंतर इम्पोर्टेंट है, अंतर आ जाता है एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, तो ये यहाँ पे दिया हूँ, मैं आंसर भी लिख दिया हूँ बहुत ही आसान और कम शब्दों में, तो ये रहा, इसे आप अंतर याद करके जाइएगा, बहुत अच्छा। ओम का नियम क्या है, प्रयोग द्वारा से सत्यापित करें, वीवीआई है, पांच नंबर का आता है, बार बार परीक्षा में कई बार आ चुका है और आता भी, इसलिए इसे याद भी कर ले। फिर आगे उसी का सत्यापन है, पूरा बात नहीं भी लिखते आप शॉर्टकट में भी लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। ग्राफ चित्र जरूर बना दीजिएगा, ग्राफ खींच दीजिएगा। प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा ही मात्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मस्त है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है यहाँ से, अगर इसके बारे में नहीं पूछेगा तो, कि भाई प्रतिरोध का मात्र क्या होता है, ओम होता है, सूत्र याद रखते हैं जी। फिर आगे इधर हाँ, प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन वीवीआई है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, आ जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए इस बात को याद रखें आप। फिर प्रतिरोधकता क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रतिरोधकता के लिए कुछ सूत्र लिखना पड़ता है पहले, तब जाकर हम लास्ट में प्रतिरोधकता की परिभाषा देते हैं, इधर तब इधर उसकी, जहाँ पे रोज चालक तार का प्रतिरोध है, यहाँ पे उसका मात्रक ओम मीटर हो जाता है, इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आ सकता है, उसका मात्रक क्या होता है, नोट वाली बात को समझने के लिए होती है, इसलिए इसे क्यों समझे। फिर प्रतिरोधकों का समूहन क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो श्रेणीकरण समांतर क्रम, तो ये केवल समझने वाली बात है। अब श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कर, ये आ सकता है दो नंबर में, दोनों दे दिया तो पांच नंबर में आएगा श्रेणी या समांतर वाला, तो यहाँ पे मैंने कर भी दिया है सिद्ध, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसान व्यंजक प्राप्त हो गया लास्ट में, अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, इस तरह घेर दीजिएगा। फिर पार्श्व वाला के लिए भी है, दोनों मिला कर दिया तो वीवीआई कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन अलग अलग दिया तो दो दो नंबर के देगा, मिला कर देगा तो पांच नंबर आपको दे ही देगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप उसका, ये भी व्यंजक प्राप्त हुआ। ठीक, इधर अंतर से तो कोई खास लेना देना है नहीं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम समूहन में। फिर दो प्रतिरोधकों के लिए समतुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे मैं आगे तीन लेकर बनाया, यहाँ पे दो लेकर बनाए, आप दो लेकर भी बना सकते हैं, देख लीजिएगा दो वाला भी, इधर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि जो नोट्स बनाना चाहते हैं इसको उतारना चाहते हैं वो उतार ले सारा। युद्ध धारा का उसमें प्रभाव क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, उसमें प्रभाव याद कर लीजिएगा, नोट वाली बात को समझने के लिए, ये लिखने के लिए नहीं होती। इस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त कर, बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आया है, पांच नंबर
तो याद रखेंगे इसे। याद नहीं यहाँ पे प्राप्त करना व्यंजक, तो यहाँ पे मैंने निकलवाया हूँ व्यंजक, देख लीजिए आप, और इसे सिद्ध करके लास्ट में ये सिद्ध हो गया। फिर आगे तो नोट वाली बात को समझना है। जूल का उसमें नियम क्या है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछता है जूल का उसमें नियम। 5 नंबर में यहाँ पर उसके लिए उसमें नियम लिखा गया। आप काले पेन का हेडिंग क्वेश्चन और बाकी नीले पेन से लिखिएगा, लाल और अन्य रंगीन पेन का यूज मत कीजिएगा। फिर यहाँ तक उसका लास्ट ये रहा, नोट वाली बात है, अब नोट नहीं, यहाँ तो उसका ये हो गया उसमें नियम, यहाँ तक नोट वाली बात को समझने के लिए। फिर आगे विद्युत शक्ति क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, विद्युत शक्ति जरूर लिख के जाएगा यहाँ से, परिभाषा नहीं 2 नंबर है तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आता ही जाता है। फिर आगे इसके कई सारे व्यंजक हैं, नोट वाली बात समझने के लिए। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ध्यान से देखिएगा। 1 किलोवाट घंटा क्या है, ये अभी इम्पोर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट बराबर इतना, एक बराबर इतना जूल, यहाँ पे याद रखेंगे ये वाले पॉइंट को, और ये खत्म हो जाता है चैप्टर। तो बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए पूरा अंत तक। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दीजिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग आप ही की तरह जो भी अन्य तैयारी कर रहे हैं उनकी भी अच्छी तैयारी हो, नोट्स अच्छे क्लियर हो जाए। बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से साल भर का मेहनत इसमें लगा है, जो आपको एक ही बार में मिल जा रहा है, इसीलिए भूले नहीं, शेयर जरूर कीजिए, सबको दीजिए, जिस दूसरे को सेवा दीजिएगा तो आपको भी फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है, पालन जरूर कीजिएगा। अपने स्वार्थ में डूब जाइएगा, आपको नहीं फायदा होगा। तो धन्यवाद, इसी तरह सारा वीडियो आपको मिल जाएगा।